नमस्कार, मैं खुशी ठाकुर सिटी न्यूज से। आज हम आए हैं MMCH, जो कि पड़ता है, ऑब्वियसली सभी जानते हैं, पहले लोग इसे जानते थे सदर अस्पताल और अभी भी जानते हैं, लेकिन इसकी नाम जो है चेंज हो गई है। यहाँ पे आज हमारे साथ सुपरिटेंडेंट हेड जुड़े हुए हैं, डॉक्टर DK सिंह। सबसे पहले तो सर, चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये बताइए सर कि आम जनता का जो परेशानी है, जो MMCH को लेकर आए दिन बढ़ते जा रहा है, सबसे पहले कि जो सुविधाएं हैं वो आपको लगता है कि पूरी तरीके से मेंटेन हो रही हैं, उपलब्ध कराई जा रही है? आज से 5 साल पहले जो भी यहाँ सुविधाएं थी उससे 10 गुना बेहतर हो गई है, और कुछ सुविधाएं की कमी है जो हमारे DC महोदय उसको पूर्ण करने के लिए DMFT फंड से प्रतिबद्ध हैं, और वो बहुत लगातार काम जारी है। ICU, ICCU ये सब बनवाने के लिए आदेशित कर दिया गया है, और नई बिल्डिंग में 60 बेड का SNCU और 50 बेड का गायनकोलॉजी डिपार्टमेंट को फुल इक्विप्ड करके चालू करके उसको उद्घाटन कर चुके हैं। कुछ कमियां हैं हमारे पास कमियां हैं कि हमारे यहाँ जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है उसमें एक मशीन है जिसको सियाम मशीन कहते हैं, वो कभी ठीक चलता है कभी खराब रहता है। तो मैं DC साहब से अनुरोध करूंगा कि DMFT फंड से वो मशीन उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि बड़ा से बड़ा ऑपरेशन जो रुक जाता है बीच में वो चालू हो सके। कुछ स्टाफ की कमी है, कुछ डॉक्टरों की कमी है, जिसके चलते हम पूरी सुविधा पब्लिक को नहीं दे पाते हैं। एक और सवाल, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा इसमें क्या निखर के आता है सर कि जो सुविधा बता रहे हैं कि कुछ कमी हो रही है जैसे, लेकिन अभी जो तत्काल समय में जो स्टाफ एडमिट हैं, जो ऑन ड्यूटी रहते हैं, तो उनकी शिकायतें आम जनता से काफ़ी ज़्यादा आती हैं। चाहे वो गायनी का डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, चाहे आप जनरल वार्ड का ले लीजिए। जैसे मेरी कुछ दिन पहले विजिट हुई थी, मैं विजिट पे थी, तो मुझे तमाम लोग जो एडमिट थे, ऑर्थोपेडिक्स के लोग एडमिट थे, और उनके बेड पे बेडशीट और चीज़ें नहीं दिखने मिली, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इस पर कड़ा एक्शन लूंगा, क्योंकि हमारे पास बेड की कमी नहीं है, बेडशीट की कमी नहीं है, और जो बेडशीट 7 दिन के लिए जो बेडशीट जो कलर निर्धारित है वो कलर अगर नहीं माने बिस्ता है बिस्तर पर, तो मैं उससे संबंधित जो भी इंचार्ज होंगे उन पर मैं कार्रवाई करूंगा, और जो व्यक्ति दलाली में पकड़े जाएंगे उनको मैं नौकरी से छुट्टी दे के बाहर कर दूंगा। इससे पहले मैं भी यह काम किया हूं, और मैं करने से थोड़ा भी हिचकूंगा नहीं। और पब्लिक को कोई सुविधा ना हो, असुविधा ना हो, इसके लिए मैं सतत प्रयासरत हूं, और सरकार से भी मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ जो कमियां है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का कोशिश किया जाए, ताकि मैं आम नागरिक को वो सुविधा उपलब्ध करा सकूं। इसी के साथ एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। जब MMCH की बात आती है या किसी भी सरकारी अस्पताल की बात आती है, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने देखा जाता है वो है साफ सफाई का सर, ठीक है? और अस्पताल का जो मानना है, जो नया बिल्डिंग बना हुआ है उसकी साफ सफाई के कंपेरिजन में जो ये वाला डिपार्टमेंट है, जो पुराना है, जो आज भी जनरल वार्ड में लोग एडमिट होते हैं, तो उसमें जो साफ सफाई देखी जाती है वो बिल्कुल उतनी नहीं है। तो इस पे मतलब एक्शन होगा सर आने वाले समय में, देखने मिलेगा? आने वाले समय में नहीं, इमीडिएट एक्शन होगा। कुछ कमी हमारे पास सफाई कर्मी की है, जो हमने बालाजी से मांगा है, वो उपलब्ध होते ही दोनों एकदम चकाचक हो जाएगा आपका अस्पताल। हमारे पास कमी है सफाई कर्मी का, और सफाई कर्मी हमको मिल जाता है तो मैं इसको चकाचक कर दूंगा। अभी जो फिलहाल हमारे पास जो भी मैन पावर है उससे मैं सफाई करवाने का मैं सतत प्रयासरत हूं, और आगे भी इस तरह का मन प्रयास करूंगा मैं। तो आप देख सकते हैं कि सर ने बताया है कि कुछ कमी है जिसमें वो अभी लगातार लगे हुए हैं और जुड़े हुए हैं, ऊपर अथॉरिटी से भी बात किया है इन्होंने, और साथ ही साथ अगर किसी को भी असुविधा होती है, अगर मरीजों को असुविधा होती है, तो वो डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत लिया जाएगा। इसी के साथ मैं खुशी ठाकुर सिटी न्यूज़ से।